हेलो फ्रेंड्स। और जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि जैसे अगर जितना जल्द से जल्द हो सके मैं अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होना है इसका वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो गाइस आज जो है रजिस्ट्रेशन का जो है नेट बढ़िया चल रहा है और साइट भी अच्छी है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है करके दिखाता हूँ। और ध्यान से देखिए गाइस, एक भी स्टेप आप मिस मत करिएगा। और अगर नहीं कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं गाइस, बट जो है जल्दीबाजी में उल्टा सीधे जो है आप फॉर्म को मत भरिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जो है मैं बहुत जल्दी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि अपने एक्जॉटिक पेट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है परवेश पोर्टल पर। तो गाइस आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपसे कि जो है अभी इसकी डेडलाइन 20 दिसंबर तक है, और क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया हुआ है और लेकिन अभी तक आगे क्या होगा, एक बार मैंने कर दी मैंने अपने आप को रजिस्टर करके अपने पेट का रजिस्ट्रेशन कर लिया, बट अभी तक जो है जो आगे का प्रोसेस एप्लीकेशन अभी भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के यहाँ पेंडिंग है। तो आगे स्टेप ये है कि वो फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद जो है वेरीफाई करने के बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो मेरा अभी पेंडिंग ही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको जो है जो प्रोसेस बताऊंगा प्रोसेस देख लीजिए, सीख लीजिए, बट तो रिक्वेस्ट है कि अभी इतना जल्दीबाजी में मत करिएगा क्योंकि अभी बहुत समय है। और क्योंकि 15 दिसंबर शायद इसकी हाँ 15 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, तो 15 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है। तो आप अभी आपके पास बहुत समय है, तो आप इंतज़ार कर लीजिए थोड़ा बहुत, देखते कुछ क्लैरिफिकेशन या कुछ क्लैरिटी आ जाती है। अगर मेरा हो जाता है तो जो दिक्कतें मैंने फेस की है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आपको दिक्कत ना हो फेस करनी पड़े। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना और कुछ कहे। तो गाइस ये है आपका जो है परवेश का पोर्टल है, मैंने लॉगिन कर लिया है। अब इसमें अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जिस किसी सज्जन ने नहीं देखा आई बटन में वो जाकर देख सकते हैं, आई बटन में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है। तो गाइस लॉगिन करने के बाद ऐसे कुछ दिखेगा। अब जो है इसमें हमको जाना है अप्रूवल्स में। जैसे ही हम जाएंगे अप्रूवल्स में, वेदर अप्लाइंग फॉर न्यू प्रपोजल ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, इस अप्लाइंग फॉर न्यू प्रपोजल इसको क्लिक कर दीजिए। तो गाइस ये आ गया। अब इसमें गाइस देखिए हम लोग को जो है खुलते ही इनिशियल क्वेश्चनायर में जो है वेदर द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अप्रूव एनवायरमेंट नहीं है, प्रोजेक्ट अप्रूवल अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन नहीं है, एडवाइजरी के अंडर में, तो वेदर द एप्लीकेशन इज अंडर एडवाइजरी, तो एडवाइजरी वाले को हम यस करेंगे। अब जैसे ही हम यस करेंगे इसके नीछे कुछ और क्वेश्चन आ गए। इसमें पूछा डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक ऑफ एक्जॉटिक लाइव स्पीशीज एप्लीकेशन फॉर CWLC NOC या एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेनी, या तो इसमें से हम जो है डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक ऑफ एक्जॉटिक लाइव स्पीशीज, तो हम अपने पास जो एक्जॉटिक लाइव स्पीशीज है उसका डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो यस। अब इसमें देख लीजिए इसमें भी चार है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर है, ट्रांसफर है, एक्विजिशन है या डेथ है। तो गाइस ये क्योंकि हम लोग कर रहे हैं वॉलंटरी डिस्क्लोजर है, तो हम वॉलंटरी डिस्क्लोजर को यस कर देते हैं। यस करने के बाद गाइस देखिए नीचे जो है नीचे मेरा इसमें जो है डिटेल्स आपका इसमें मेरा दिखा रहा है, आपके में आपका पूरा डिटेल्स जो है नीचे आ चुका होगा, आपको बस सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे गाइस ये देखिए ये का आपका जो है ये प्रपोजल नंबर जनरेट हो गया है। अब इसको जो कंटिन्यू कर दीजिए गाइस, जैसा मैं बता रहा हूँ एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे आगे बढ़ जाएंगे तो कई चीज़ें हैं जो छूट जाएगी, फिर आपको दिक्कत हो सकती है, फिर आपको डिलीट करना होगा नया इसका। तो गाइस ये हो गया, उसके बाद जो नया है फॉर्म रजिस्ट्रेशन का खुला हुआ है, तो इसमें देखिए गाइस इसमें आपका पूरा डिटेल आ गया है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन से भरा था ये आ गया है। अब इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो पहली चीज़ है गाइस वो है आपकी आईडी, ये कोई भी आईडी जो है उसके पीडीएफ फॉर्मेट, आईडी को स्कैन करके या उसकी फोटो लेकर उसको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में उसको सेव कर लीजिएगा। और ध्यान रहे गाइस कि उसकी साइज़ जो है 1 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये गाइस आपकी कोई भी एक आईडी होनी चाहिए उसमें से, ये तीनों में से, जैसे अगर आपकी कोई आईडी है तो पैन कार्ड हो गया या जो भी हो गया, जैसे मैंने ऑलरेडी पैन कार्ड का दे रखा है इसीलिए इसमें पैन कार्ड जो है मेरी आईडी में लॉक है, वरना पैन कार्ड हो गया आपके, आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको जो है पैन कार्ड दिखाएगा, वोटर आईडी है, या ध्यान रहेगा इस आधार कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या कोई अगर सरकारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ जो है, उसके बाद अपना फाइल चूज करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं गाइस,
मेरे में अपलोडेड है इसीलिए नहीं ले रहा है। जैसे ही आप यहाँ चूज करके फाइल यहाँ जो ब्राउज करके उसको यहाँ लगा दीजिएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे नीचे वाले में गाइस ये देखिए यहाँ जो गाइस आपके पास जो भी स्पीशीज है आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास जो है लव बर्ड्स है तो लव बर्ड्स में कौन सी लव बर्ड्स है आप कोई भी जिसमें जैसे मेरे पास पीच है तो ये इसमें पीच सेलेक्ट कर लीजिए पीच फेस लव बर्ड। तो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसका साइंटिफिक नेम ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये साइंटिफिक नेम ले लिया है और यहाँ आप जहाँ है आपकी बर्ड्स है जो आपकी फैसिलिटी है या जहाँ आपके पेट्स रखे हुए उसका एड्रेस आपको यहाँ देना है। जो भी एड्रेस आपका है आप यहाँ लिख लीजिए जो भी एड्रेस आपका है आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक गाइस जो भी एड्रेस जहाँ आपकी फैसिलिटी है उसका एड्रेस। उसके बाद यहाँ आपकी बर्ड्स की एज ग्रुप की जो नाइल है एडल्ट है वो आप दे लीजिए गाइस। जैसे हमने दे दिया जुवेनाइल। यहाँ कौन सी कंट्री ओरिजिन कौन सी है तो गाइस ये पीच फेस लव बर्ड्स जो है अफ्रीकन है तो हम दे रहे हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद गाइस आपके पास यहाँ देना है कितने मेल है कितने फीमेल है। तो मान लीजिए मेरे वन है तो मैंने वन मेल डाला वन फीमेल डाला। अब गाइस यहाँ आपके बर्ड की जो है पिक्चर आपको अपलोड करनी है और ध्यान रहे गाइस कि पिक्चर का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना है और पिक्चर का रेजोल्यूशन 640x480 मतलब 640x480 से ज़्यादा उस पिक्चर का रेजोल्यूशन नहीं होना है गाइस। तो ये हो गया आपकी ये तो आप समझ ही गए होंगे गाइस। यहाँ जो है आप पिक्चर जो है चूज कर लीजिए जैसे ये है तो मैंने ये रिसाइज करके रखा हुआ है आपने जो है अपलोड कर दिया। उसके बाद ये देखिए गाइस इम्पोर्ट तो हम लोग वॉलेंटियरली क्योंकि मैं हॉबीस्ट हूँ मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है और मुझे नहीं बस मैं वॉलेंटियरली डिस्क्लोज कर रहा हूँ तो ये सब डिटेल जो है आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ गाइस देखिए जैसे ही हो गया है अब इसको जो है आपको यहाँ करने के बाद ऐड कर दीजिए। देखिए डिटेल एडेड सक्सेसफुली आ गया। ठीक है गाइस तो आप जैसे अब ऐड करने के बाद नीचे आकर देखेंगे तो ये देखिए गाइस ये आ गया आपका एक। ठीक एक आपके जो है पीच फेस लवर ये जो बना लिए इतना हो गया। अब इसमें अगर कुछ एडिट करना है कुछ गलत हो गया तो ये फिर आप एडिट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और डिलीट करना है तो ये ऑप्शन दिया है इसको क्लिक कर देंगे डिलीट हो जाएगा। अब गाइस फिर उसके नीचे जो है दूसरा भी अगर आपके पास मल्टीपल है ये तो एक केस अगर आपके पास कोई और दूसरा भी है तो देखिए ऊपर का गाइस कुछ मत चेंज करिएगा। जैसे ऊपर का एज इट इज़ तो सब कुछ है क्योंकि देखिए आईडी अपलोडेड है पैन कार्ड मेरा सब अपलोडेड है तो इसलिए ले चुका है। अब दूसरा कोई ऐड करना है गाइस तो बस इसी में जो है यहाँ चेंज करते रहिए। जैसे है आपके पास फिशर लवबर्ड है फिशर लवबर्ड ले लीजिए तो उसका साइंटिफिक नेम ले लिया एड्रेस वही वो भी एक पेयर है जुवेनाइल है ये भी है उसकी भी इमेज जो है इमेज सेलेक्ट कर लीजिए फिशर की जो है जैसे मान लीजिए हम उसकी भी यही इमेज है आपने कर लिया इसको भी आपने कर दिया ऐड तो ये एडेड। तो गाइस आप देख सकते हैं नीचे देखिए हमने दो जो है तो ऐसे गाइस जितने आपके पास हैं आप सबको जो है ऐड कर सकते हैं यहाँ और सब धीरे धीरे इसमें आते जाएंगे और जब आपका सब ये हो जाएगा गाइस तो उसके बाद आप जो है एक अगर और कुछ है या बच गया है तो सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं तो बाद में लॉग इन करके वो और जब सब हो जाएगा गाइस तो उसको सेव एंड लॉक क्लिक कर दीजिएगा तो ओके करेगा और सेव एंड लॉक करके क्लिक कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने के बाद गाइस कैसे दिखेगा ये बता रहा हूँ क्योंकि ये तो मैंने आपको करने के लिए बताया मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इसको। आपको जब फाइनल आपने जब सब एंट्री कर ली है गाइस तो यहाँ जो है सेव एंड लॉक आप कर लीजिएगा सेव एंड लॉक करेंगे तभी वो सबमिट होगा आपका एप्लीकेशन गाइस आपका जो है। जैसे चले जाएंगे आप तो जब आप मेन उसमें आपका अगर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है तो देखेंगे आप तो गाइस आपका प्रपोजल्स में दिखेगा। अब ये क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स किए थे ये सब तो मैंने ये प्रपोजल पूरा सक्सेसफुली करके इसको सबमिट कर दिया है। तो सबमिट आपका अगर प्रपोजल सक्सेसफुली सबमिट हो गया गाइस तो आपका ऐसे कुछ स्क्रीन दिखेगा और आपको एक
आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका प्रपोजल जो है सक्सेसफुली, ये देखिए गाइस, ये देखिए इस पे ऊपर में मेरा पूरा डिटेल है और जो मैंने सबमिट किया हुआ है दिखा रहा है। यहाँ मेरे लोबर्ट का वो है, मेल फीमेल जुवेनाइल कहाँ का है, एड्रेस मेरा, उसके बाद इंपोर्ट इसकी ज़रूरत नहीं है। और स्टेटस देख लीजिएगा, पेंडिंग है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, यानी मेरा सबमिट हो चुका है, अब उनके एंड पे पेंडिंग है, बाकी जो काम करना है उनको करना है, वेरिफिकेशन जो है। तो गाइज ये रहा पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करने का, बहुत ही सिंपल है और होप गाइज आपको समझ में आया हो। और इससे रिलेटेड अगर आपकी जो भी क्वेरी होगा तो आप मुझे दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिए। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है गाइस, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, या जो भी आपके पेट लवर दोस्त हैं या जिनके पास एक्जॉटिक पेट्स हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए कि वो भी जो अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सीख लें। थैंक यू गाइस।